चंडीगढ़ का एक अस्पताल जिसका नाम है प्रिया नर्सिंग होम, उस होम में एक डॉक्टर जिसका कि वो अस्पताल था उस अपने केबिन में बैठी हुई है। तभी चार पांच लोग अचानक से दौड़ करके आते हैं और उससे मिन्नतें करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा मरीज बड़ा सीरियस है, आप चल करके उसे बचा लीजिए। वो डॉक्टर कहती है कि आप धैर्य रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो जो आए हुए लोग थे उनके साथ चल देती है और जाकर देखती है। तो जब उसने जाकर उस आदमी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार और इस समय आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ। कहानी सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आखिर उस व्यक्ति को देख करके वो महिला क्यों रोने लगी, इस कहानी में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बात है चंडीगढ़ की। उस चंडीगढ़ में एक परिवार था जो कि बहुत संपन्न था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया बचपन से पढ़ने में बहुत तेज़ थी और उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने। उसके माता पिता से जब उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो उसके माता पिता ने उसका सपोर्ट किया कि कहा बेटी तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई मनाही नहीं है, लेकिन यदि तुम बाहर पढ़ने जाना तो एक बात का हमेशा याद रखना कि अपना दिमाग केवल और केवल पढ़ाई में लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाकर के तुम्हारे कदम बहक जाएं। उस बेटी ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो आपकी छवि को ख़राब करे। और ऐसा कहकर के उसके पिता राजी हो गए और उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि समय कुछ और कराना चाहता है और व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसकी बुद्धि उसी हिसाब से हो जाती है। प्रिया घर से बाहर पढ़ने गई, उसको अपने माता पिता की बात का याद था, लेकिन फिर भी उसके पैर बहक गए और उसी के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था राजीव। कुछ दिन बाद प्रिया की राजीव से दोस्ती हो गई और दोस्ती इस कदर बढ़ी कि वो प्यार में बदल गई। कुछ दिनों के बाद जब उसके माता पिता को इस बात का पता चला तो प्रिया के माता पिता बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि बेटी अब हम तुम्हारा विवाह कर देंगे और विवाह करने के बाद फिर तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो, हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, हम तुम्हारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। प्रिया ने जब अपने माता पिता की इस बात को सुना तो बड़ा घबरा गई। अपने पिता से उसने मिन्नतें की कि नहीं नहीं पिताजी, अभी मैं शादी करने योग्य नहीं हूँ, आप कृपया मेरी शादी ना करें, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि बेटी तुम्हें जितना पढ़ना हो तुम उतना पढ़ना, हम जहाँ पर तेरी शादी तय करेंगे वहाँ पहले से ये तय कर लेंगे कि हमारी बेटी आगे पढ़ना चाहती है और उसे किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो। जब प्रिया ने अपने पिता को बहुत समझाया, इस पर भी पिता नहीं माने तो प्रिया मौन हो गई और उसके पिताजी ने उसी चंडीगढ़ में एक लड़का ढूंढा। लड़का बड़ा सुंदर था और उसका बड़ा लंबा व्यापार था। ऐसा देख करके कि अच्छा घर है, उन्होंने अपनी बेटी उस लड़के के साथ कर दी। उस लड़के का नाम अनिल था। जब अनिल से प्रिया की शादी हो गई तो अनिल बड़ा खुश हुआ क्योंकि प्रिया एक तो सुंदरता में भी बहुत अच्छी थी और दूसरा उसकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी थी, तो इसका मतलब कि उसको सर्वगुण संपन्न पत्नी मिल गई थी। दोनों का वैवाहिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि पैसा पाप जब होना होता है तो सबसे पहले व्यक्ति के पास पैसे आते हैं और पैसा पाप का गुरु है। जैसे जैसे व्यक्ति के पास पैसा आता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बुद्धि सही रहे, बाकी मैक्सिमम लोगों की जो बुद्धि है वो पैसा आने पर ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीके से जो उसका पति था, पैसे आने पर उसकी भी बुद्धि ख़राब हो गई। अब धीरे धीरे वो अपने दोस्तों यारों में घूमने फिरने लगा और उसे शराब की लत लग गई। कुछ दिनों तक तो प्रिया ने इसे इग्नोर किया, समझाती रही कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए और इन शराब आदि लतों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इन सबसे किसी का भला नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा समझाने पर भी उसके पति को कोई बात समझ में नहीं आई और धीरे 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 उसकी जो शराब की लत थी वो बढ़ती चली गई। अब जब प्रिया से ये सहन नहीं हुआ, पहली बात तो प्रिया अपने कॉलेज जाती, पढ़ाई करती, इसके बाद घर का सारा काम करती और इसके बाद पति रात में आकर के उसे तंग करता, तो प्रिया का जो स्वभाव था बड़ा चिड़चिड़ा हो गया और एक दिन दोस्तों प्रिया गर्भवती हो गई।
जब उसने अपने पति को बताया कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, अब आप इस बच्चे के खातिर जो इस दुनिया में आने वाला है सुधर जाइए और आप फिर से एक नई शुरुआत करिए, इस बच्चे के भविष्य का ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा समझाने के बाद भी उसने अपने बच्चे की दुहाई दी, लेकिन उसके पति को कोई बात समझ में नहीं आई और एक दिन उसकी प्रिया से हाथापाई हो गई। दोस्तों, जब प्रिया से उसकी हाथापाई हो गई तो उसने प्रिया के गर्भ में पैर लात मार दी, जिससे उसका गर्भ वहीं पर समाप्त हो गया। और जब उसके पति ने ऐसा किया तो उसको अपने पति से बिल्कुल नफरत हो गई और उसने कहा कि मैं अब इस पति के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। और कोर्ट में जाकर के उसने तलाक की अर्जी दी कि साहब मैं इस पति से तलाक लेना चाहती हूँ, मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रहना चाहती। दोस्तों, कोर्ट से उसके पति से तलाक हो गया और प्रिया फिर से अकेली हो गई और अपने घर चली गई। उसका पति आया, समझाया कि भले ही कोर्ट ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चलो आओ हमारे साथ रहो चल करके। लेकिन प्रिया समझ चुकी थी कि ये शराबी व्यक्ति हो गया है, अब इसकी बात का भरोसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये कहेगा कुछ और करेगा कुछ। क्योंकि उस जानती थी कि जो व्यक्ति नशेबाज नशा करेगा उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं होगा। ऐसा जानकर के उसने अपने पति से कहा कि नहीं, अब हम आपके साथ एक मिनट नहीं रह सकते, कानूनी तौर से हम आपसे अलग हो गए। और इसके बाद वो अपने मायके में रहने लगी। उसके पिता की बहुत सारी जमीन थी। इसके बाद उस प्रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसे जो चंडीगढ़ PGI था उसमें एडमिशन मिल गया और वो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने लगी और प्रैक्टिस भी करने लगी। अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, उसके पिता की ज़मीन थी हाईवे पर, उन्होंने उस हाईवे वाली ज़मीन पर उसके नाम से एक नर्सिंग होम खुलवा दिया, एक हॉस्पिटल खुलवा दिया। और जो प्रिया थी अपने इलाके की, अपने जो उसका एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र की जानी मानी डॉक्टर हो गई। एक दिन क्या देखती है कि वो अपने नर्सिंग होम में बैठी हुई थी, तभी अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा जख्मी है, आप चल कर के उसकी जान बचा लीजिए। दोस्तों, जैसे ही प्रिया उस व्यक्ति के पास जाती है तो देखती है कि ये कोई और नहीं, उसका जो पति है जिससे कि उसका तलाक हो गया था, ये वही है और उसको बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। दोस्तों, उसके मन में दया जाग गई। हालांकि वो उसका पति रह चुका था, कई दिनों तक वो साथ रहे थे, इसलिए उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो तुरंत लेकर के उसने भर्ती कराया। दोस्तों, थोड़े दिन उसका ट्रीटमेंट चला और कुछ दिन बाद उसे होश आया। जैसे ही उसे होश आया, उसने सामने प्रिया को देखा तो वो देख करके चौंक गया। उसने कहा, अरे प्रिया तुम? उसने कहा, हाँ मैं। उसने कहा, अरे तुम्हारी, उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। उसने बताया कि जब से हमारा तुम्हारा तलाक हो गया, हमारे तुम्हारे तलाक के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की, मेरा व्यापार भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने शराब पीना और शुरू कर दिया, मेरी जो डोज थी वो और बढ़ गई और मैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। तुम्हारे साथ था तो तुम मेरी देखभाल करती थी और मुझे एहसास हुआ कि तुम जो मेरी देखभाल करती थी, तुम्हारे साथ मैं जितना सुखी था, अकेले में मैं उतना ही परेशान हो गया। उसकी पत्नी से उसने कहा कि प्रिया अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती, एक मिनट भी नहीं रह सकती। उसने बताया कि ये जो शादी थी, ये शादी ज़बरदस्ती हुई थी, मेरा एक प्रेमी था जो कॉलेज के ज़माने से मेरा मुझसे प्रेम करता था, लेकिन जब मेरे घर वालों को ऐसी बात पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करा दी। प्रिया ने अपने पति से कहा कि वास्तव में मुझे नहीं पता था कि शादी का मतलब ये होता है कि कोई पति आए और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे और मारपीट करने के बाद उसको प्रताड़ित करे। अगर वास्तव में यही शादी होती है तो मैं इस शादी को कभी नहीं पसंद करूंगी और मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, ना तो मैं अब कभी शादी करूंगी और ना ही मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत समझाने के बाद भी वो अपने पति के साथ नहीं गई। और उस पति का जब इलाज कंप्लीट हो गया, उसका पति पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया, तो उसके जो रुपये बन रहे थे, 2-3 लाख रुपये जो भी बने हों, उसको लेने से भी प्रिया ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ,
मुझे आपसे रुपए नहीं चाहिए, आप मेरे पति रहे, इसलिए मैं आपसे सहानुभूति रखती हूँ और उसके एवज में मैं आपसे एक रुपए नहीं लेती हूँ, लेकिन आप कृपया करके यहाँ से चले जाएं, मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूँगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे क्योंकि कहानियाँ समाज का आईना है और इससे आप सीख लें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।